भारोत्तोलन में अपनी सफलता के ग्राफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मुकाम देने वाले राजस्थान के अजय सिंह शेखावत का सपना है कि वो टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा बने। देश के इस उभरते युवा भारोत्तोलक से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। भारोत्तोलक अजय सिंह शेखावत ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में न केवल गोल्ड मेडल जीता बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। गोल्ड मेडल आया, बड़ी कामयाबी? मुझे खुशी है, पर इससे बड़ी कि मैंने रिकॉर्ड बनाया। मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक के लिए एक अच्छे अंक प्राप्त करूंगा यहाँ से, क्योंकि इससे पहले जो मेरा कॉम्पिटिशन था एशियन चैम्पियनशिप जो चाइना में हुआ था, तो इतना इंजुरी था मुझे, तो उसके कारण मैं अपना बेस्ट नहीं कर पाया था। तो फिर मैं वहाँ से रिकवरी करके फिर टारगेट था कि इस कॉम्पिटिशन में मुझे अच्छा करना, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में और रिकॉर्ड बनाना है। आपने कभी एक पल भी सोचा था कि आप जब इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक नया रिकॉर्ड कीर्तिमान बना लेंगे? हाँ, एक अंदर मतलब कि सोचा था कि हाँ कि मुझे रिकॉर्ड बनाना है और ये जो मेरे पास मौका मिला इसको मैं मतलब वेस्ट नहीं जाने दूँ। तो फिर जो सोचा था मैंने वहाँ पर किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स आपने कभी नहीं खेला, एशियन गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया था लेकिन आप फिफ्थ पोजीशन पर रहे थे, तो ऐसे इस सब के बीच में कॉमनवेल्थ वेट जो चैम्पियनशिप थी इसमें पार्टिसिपेट करना कितना चुनौतियों से भरा था आपके लिए? ये था कि पहले इंजुरी था, तो फिर मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा इसे, तो ये नेक्स्ट इससे अगला जो कॉम्पिटिशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसकी तैयारी करूँ, पर जैसे जैसे धीरे ठीक होने लग गया फिर, तो फिर मैंने और ट्रेनिंग हार्ड करना शुरू कर दिया और उसके बाद में फिर मैं वहाँ जाके जो मेरा अचीवमेंट था जो मैंने सोचा था वहाँ पे अपने अपना पर्सनल बेस्ट किया मैंने। अभी सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए, उसको लेकर के किस तरह की तैयारी है? घर भी नहीं जाऊँगा, सीधा वहाँ पटियाला जाके वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा और फिर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थाईलैंड में है पटाया में, उसके लिए पूरा फोकस करके वहाँ पे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करूँगा। अपने यहाँ तक के सफ़र के बारे में बताइए। 2014 में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला यमुनानगर में, तो मेरा फर्स्ट टाइम वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल था और फिर मैं वहाँ से फिर मैं मुझे कैंप में बुलाया और फिर कैंप से मैंने 2015 से कैंप में हूँ अभी तक और फिर वहीं से फिर मैं इंटरनेशनल प्लेयर बना। तो ये थे अजय सिंह शेखावत जो कि काफ़ी उम्मीदों से भरे हुए हैं और उन्हें विश्वास है अपने आप पर कि वो आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में भी अच्छा करके दिखाएंगे।